मेले का आयोजन चार स्थानों हरिद्वार, प्रयाग, नासिक तथा उज्जैन में होता है। हर जगह कुंभ मेले का आयोजन 12 साल में एक बार होता है। आइए जानते हैं क्या है इसका कारण। कुंभ मेले के 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने के पीछे दो मान्यताएं हैं। पहली ज्योतिष, दूसरी पौराणिक। ज्योतिषीय मान्यता। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार भचक्र में स्थित 360 अंश को 12 भागों में बांटकर 12 राशियों की कल्पना की गई है। भचक्र से तात्पर्य आकाश मंडल से है। हर कुंभ के निर्धारित मुहूर्त में गुरु और सूर्य विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। गुरु एक राशि पर लगभग 13 महीने तक रहता है और फिर उसी राशि पर आने में 12 वर्ष का समय लगता है। यही कारण है कि कुंभ पर्व 12 वर्ष में एक बार होता है। हरिद्वार, प्रयाग और नासिक में बचकर 12वें साल में कुंभ की परंपरा है। उज्जैन में कुंभ को सिंहस्थ कहा जाता है क्योंकि इस समय गुरु सिंह राशि में होता है। पौराणिक मान्यता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में मिलने पर जब प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माला दी, लेकिन इंद्र ने उस माला का आदर न कर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया, जिसने माला को सुन से घसीट कर पैरों से कुचल डाला। इस पर दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर इंद्र को श्रीविहीन होने का शाप दिया। इस घटना के बाद इंद्र घबराए हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने इंद्र को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इंद्र की रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि इस समय असुरों का आतंक है, इसलिए तुम उनसे संधि कर लो और देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर अमृत निकालो। जब अमृत निकलेगा तो हम तुम लोगों को अमृत बांट देंगे और असुरों को केवल श्रम ही हाथ मिलेगा। पृथ्वी के उत्तर भाग में हिमालय के समीप देवता और दानवों ने समुद्र का मंथन किया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, जिसके फलस्वरूप क्षीरसागर से पारिजात, ऐरावत हाथी, उच्चैःशृवा घोड़ा, रंभा, कल्पवृक्ष, शंख, गदा, धनुष, कौस्तुभ मणि, चंद्रमद, कामधेनु और अमृत कलश लिए धन्वंतरी निकले। इस कलश के लिए असुरों और दैत्यों में संघर्ष शुरू हो गया। अमृत कलश को दैत्यों से बचाने के लिए देवराज इंद्र के पुत्र जयंत बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और शनि की सहायता से उसे लेकर भागे। ये देखकर दैत्यों ने उनका पीछा किया। ये पीछा 12 दिनों तक होता रहा। देवता उस कलश को छिपाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को भागते रहे और असुर उनका पीछा करते रहे। इस भाग दौड़ में देवताओं को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी पड़ी। इन 12 दिनों की भाग दौड़ में देवताओं ने अमृत कलश को हरिद्वार, प्रयाग, नासिक तथा उज्जैन नामक स्थानों पर रखा। इन चारों स्थानों में रखे गए कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक पड़ी। अंत में कलाई को शांत करने के लिए समझौता हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों को भरमाए रखा और अमृत को इस प्रकार बांटा कि दैत्यों की बारी आने तक कलश रिक्त हो गया। देवताओं का एक दिन मनुष्य के एक वर्ष के बराबर माना गया है, इसलिए बचकर 12वें वर्ष कुंभ की परंपरा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।